पहला तुम सब सस्तो नेला मस्त लेला मुझे एकदम झक्कास। तो दगड़िया आज मु ब्लॉग का शुरुआत एल दिना टाइम बकरण में और मुझे आगे नहीं दगड़ियो भागवत में आ भागवत और दोहर दिन से और तुमन कस लागण मो भागवत कमेंट में ले जरूर बताया और जतु कह सके मु भागवत वीडियो तुमन रोज दिखून भागवत रोज दिखून और कथाले बढ़िया का नीरज जोशी बढ़िया कथाले सुन मैंने याद दगड़ियो मैं तो बहुत भल लागण मोल ला बैठ बे और भजन वाले नंबर एक छन दगड़ियो भजन ही तो भल गण मैंने मैं क्या बता नहीं सकनी। अब जब रात ही जानने तब पता चलो कि भजन कौस हुआ और क्यों हूँ। तो फिलहाल एल म्यार दगाड़ से आज हिमू तो मयंक पहली नहीं गयो आज मयंक दाँत से हिमू वो पंजार में रुक रो थोड़े मुँह लेट है गई मैं अल्लाह ना आज दिन में ना क्या कि रात तक थोड़ा घर वगैरह काम वगैरह रुचि ये कारण मुँह लेट है गई। तो दगड़ियो अब मिल लो तो मन सिद्ध मंदिर में पूछे तब तक वीडियो में बनी रहेगा और जो चैनल में नए थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो भल लगी देखो कर से कर्म करो दीनाना राजन इन हाथों से हमेशा अच्छा कर्म करे ऐसा कौन बता रहा है बीत राग संत सुखदेव मुनि राजन सिंह परीक्षित को बता रहे हैं। एक बार सब प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। देखो फिर भगवान की भक्ति के बारे में बताया भक्ति दो प्रकार की होती है और एक भक्ति होती है निष्काम भक्ति कि प्रभु मुझे चाहिए कुछ नहीं लेकिन मैं आपकी भक्ति करूंगा। तो तब बता रहे हैं अगर वैसे तो भक्ति निष्काम ही अच्छी है इसमें कोई कामना ही हो अगर माना सकाम भक्ति आप कर रहे हैं विद्या प्राप्ति के लिए अगर आपने करना है तो भगवान गिरीश की उपासना करें। जानते हैं गिरीश कौन है गिरीश जोशी वो नहीं अभी गिरीश जोशी है गिरीश भगवान शंकर। हाँ पता चला कर गिरीश के दरवाजे में चले गए सुबह सुबह गिरीश कहते हैं भगवान शंकर को उपाय जो है फिर सरस्वती को आदेश देते हैं बच्चे को विद्या दो तुरंत दाम्पत्यार्थम उमाम सतीम ग्रस्त जीवन सही चले इसके लिए भगवान शंकर की उमा की प्रार्थना करनी है बलवान बनने के लिए मरुद्गणों की प्रार्थना करनी है रक्षा करने के लिए यक्षों की प्रार्थना करनी है अनेक प्रकार से बताया। और अगर कुछ नहीं चाहिए भगवान जो है नारायण की जो है प्रार्थना करो सब कुछ मिल जाएगा। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम् यम यम चिंतयते कामम् जो जो भी मनोकामना भक्त की होती है ना भगवान सब पूर्ण कर देते हैं श्रोत्रम सुपेने नतु कुंडलेन दानेन पाणिर नतु कंकणेन विभातिकाय करुणापराण परोपकारेण तु चंदनेन। भर्तरी शतक में आता ही श्लोक कानों की शोभा कुंडल से नहीं है भगवान की कथा सुनने से है। दानेन पाणिन नतु कंकणेन हाथ की शोभा कंकड़ लगाने से नहीं है दान पुण्य करने से है। विभातिकायो करुणा प्रणाम परोपकारे नतु चंदनेन ये शरीर की शोभा जो है चंदन लगाने से नहीं है परोपकार करने से है। इस प्रकार वीतराग संत सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को बता रहे हैं। एक बार सब प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। एक मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा करते हैं श्रोता भी ऐसा लग रहा कि थक गए हैं जय श्री कृष्ण भी नहीं बोल पा रहे जय श्री कृष्ण। मानसिक सृष्टि है ब्रह्मा जी की दसों को छायायाम कर्दमो ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम जी का जन्म हुआ ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी के आगे से उधर से धर्म का जन्म हुआ। देख लो अभी
उसके बाद जो है इतिहास पुराण आयुर्वेद धनुर्वेद गांधर्वेद सबको ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है, इनकी रचना की। फिर एक जोड़ा उत्पन्न हुआ ब्रह्मा जी से, कौन कौन? दाई तरफ से मनु और बाई तरफ से शत्रुपा। मनु और शत्रुपा फिर इन दोनों का आपस में विवाह कराया, वहीं से जो है मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई, यानी कि स्त्री और पुरुष के द्वारा जो सृष्टि हुई वो मनु और शत्रुपा से हुई। उससे पहले सब सृष्टि सब ये मानसिक सृष्टि, मनु के होने के कारण हम लोग मानव कहे जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। एक बात बताऊं आप, रामायण तो उसकी पत्नी थी, उसका नाम था निद्रा देवी। वो भगवान राम के आगे गई, बोले छोड़ूंगी नहीं, मेरे पति को मार दिया। भगवान ने कहा क्या करेगी, गलत काम किया था तेरे पति ने, मार दिया, क्या करेगी तू? बोले जहां आपकी कथा होगी ना वहां ऐसे ऐसे करूंगी काम। ये नींद वही तो है निद्रा देवी, और ऐसे काम आती है ये, इस पे कंट्रोल रखना है थोड़ा। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। भगवान ने यही कहा मैं भी बीच बीच में जय जयकार का उच्चारण करते रहूंगा, भाग जाएगी का वहां से, मत बैठने देना उसको अपने आसपास। हाँ तो इस प्रकार जो है मनु और शत्रुपा के द्वारा देखो इनकी 5 संतान हुई। कौन कौन सी? आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। और देखो इन्हीं से सारा संसार भर गया, इन्हीं से संपूर्ण पृथ्वी भर गई। राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि कह रही है, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, और प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने कहा देखो बेटा और सृष्टि को आगे को बढ़ाओ, सृष्टि की रचना करो। मनु और शत्रुपा ने कहा पिताजी आप तो कह रहे हैं कि सृष्टि को आगे को बढ़ाओ, कहां से बढ़ाए? धरती को तो कोई उठा के ले गया है, हम बैठे कहां? बैठने की तो जगह नहीं है, सृष्टि कहां से करेंगे हम? क्या हुआ? बोले एक राक्षस कोई आया, इस बुद्धि का वो हरण करके ले गया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित को, फिर उन्होंने भगवान ने बराह रूप धारण किया और उस राक्षस को मार दिया। राजा परीक्षित ने कहा गुरु जी कौन था वो राक्षस, कहां से आया, क्यों पृथ्वी का हरण करके ले गया? मैं ये कथा विस्तार से सुनना चाहता हूँ, इतनी बड़ी पृथ्वी का हरण कैसे हो गया, इस धरती का हरण? तब कहते हैं सुखदेव मुनि राजन देखो कश्यप ऋषि है ना, कश्यप ऋषि इनकी अनेक पत्नियां हैं, आगे आएगा वर्णन, दिति अदिति धनु काष्ठा सुरसा अग्निशा ताम्रवसा। और दिति के जो पुत्र हैं वो हैं देवता, जैसे सूर्य भगवान है ना, कोई आपको अगर कभी पूछेगा इसकी माता कौन है तो आप सीधे कह देना अदिति के बेटे हैं, अदिति से देवताओं का जन्म हुआ, जितने भी देवता हैं सब अदिति के बेटे हैं। और दिति नाम की जो पत्नी थी ना कश्यप की, अनेक पत्नियां थी, तो दिति नाम की जो बोलेंगे नहीं भैया यहाँ पर, दिति नाम की जो पत्नी थी ना उसकी कोई संतान नहीं थी। अब जब उसकी संतान नहीं थी तो वो बहुत परेशान हो गई, आखिर संतान कैसे हो, वंश परंपरा आगे को कैसे बढ़े, मेरी जो है 100 संतान है परंतु मेरी संतान कैसे हो।
एक दिन की बात है, संध्या काल के समय में चलेगी अपने पति के पास, कश्यप ऋषि के पास। देखो बहुत ध्यान से सुनना है, कश्यप ऋषि के पास में चलेगी और प्रार्थना की, प्रभु पतिदेव मेरे को एक संतान प्रदान करें आप। कश्यप ऋषि बोले, देवी बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन अभी अभी संतान जो उत्पन्न करने का समय है ना, वो समय ठीक नहीं है। परंतु माता अदिति ये दीति बिल्कुल नहीं मानी ना, मुझे तो संतान चाहिए। कश्यप ऋषि समझा रहे हैं, ऐसा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शन। देवी ये संध्या काल का टाइम है ना, बोलना नहीं है आपको। जब हम लोग ही गड़बड़ करेंगे दूसरे को क्या उपदेश देंगे। एक बार सब प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। तो ऐसा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शनो। कश्यप ऋषि ने कहा, देखो ये संध्या काल का समय है और तुम संतान उत्पन्न करने के लिए कह रही हो, देवी ये समय अच्छा नहीं है। मैं जरूर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा, लेकिन फिर कभी। बोले ना अभी। माता दीति ने बहुत जबरदस्ती कर दी, संध्या काले घोराजन कर्म चतवारी विवर्जित, शास्त्र बोलता है संध्या काल में चार कर्म नहीं करने चाहिए भूल के भी। कौन कौन से? आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम, आहार यदि की खाना पीना। संध्या के समय जब दो वक्त एक होते हैं, कुछ खाना भी नहीं चाहिए, उससे क्या होता है पेट दर्द होने की संभावना रहती है। और मैथुनम, ये मैथुन कार्य नहीं करना चाहिए, संतान उत्पन्न नहीं करना चाहिए, अन्यथा दुराचारी संतान होती है, उसका प्रत्यक्ष आगे उदाहरण सुनेंगे। तीसरा स्वाध्याय, पढ़ाई भी नहीं होनी चाहिए, जो बच्चों को भी कहते हैं ना पढ़ो पढ़ो, वो भी गलत है। उसमें तो भगवान का भजन करें खाली, पढ़ने से क्या होता है पढ़े हुए ग्रंथ की विस्मृति हो जाती है। निद्रा, नींद नहीं निकालनी चाहिए, उससे क्या होता है आंखों की ज्योति खराब हो जाती है, ऐसा शास्त्र का कहना है। अनेक प्रकार से ऋषि कश्यप ने समझाया, लेकिन माता दीति बिल्कुल नहीं मानी। और देखो अंतिम में वही हुआ, ऋषि कश्यप ने माता दीति का मनोरथ पूर्ण कर दिया। अब जब दीति का मनोरथ पूर्ण हुआ तो उसको फिर बहुत लज्जा हुई, बोले ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया, स्वामी जी ने मना भी किया था परंतु मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब रो रही है। माता दीति जो है कश्यप के चरणों को पकड़ के जोर जोर से रो रही। कश्यप ने कहा चले जाओ यहाँ से, मैंने तुमको इतना समझाया, मैंने बार बार तुमको समझाया लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। बोले प्रभु इस अपराध को क्षमा कर दे। रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, काबर सा सब किसी सुखानी, काबर सा किसी सुखानी, काबर सा सब किसी सुखानी, काबर सा सब किसी सुखानी, समय चुके पुनी काब चिता, समय चुके पुनी सब कृषि सुखा। अर्थ तो सब लोग जानते हैं, उनके पढ़े लिखे लोग हैं, का बर
सा सब किसी सुखानी। उस बारिश का क्या फायदा जब खेती बाड़ी सूख गई हो। अगर पहले आती तो कोई लाभ होता है। और समय चुके पुनी का पछतानी। समय चले गया फिर पछता के कोई फायदा थोड़ी है। लेकिन माता अदिति बार बार कश्यप ऋषि की प्रार्थना कर रही, बोले प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दे। कश्यप ने कहा ठीक है, तो तुमने बहुत बड़ी कर रखी है, लेकिन देखो संध्या काल की संतान है तुम्हारी और तुम्हारी राक्षस संतान होगी। बोले ऐसा मत कहो आप। बोले मेरे कहने से क्या होता है देवी, तुम्हारी संतान तो होगी लेकिन संतान होगी राक्षस। बार बार उन्होंने विनय किया। बोले ठीक है, पश्चाताप है तो तुम्हारा जो पौत्र होगा वो भगवान का परम भक्त होगा, लेकिन संतान तो तुम्हारी राक्षसी होगी। सौ वर्ष तक माता अदिति ने उस गर्भ को पेट में ही रखा, क्योंकि वो भी कोई सामान्य थोड़ी है, तपस्वी है। 100 वर्ष हो गए, सब देवता वहां पर आ गए। उन्होंने प्रार्थना की, स्वयं भगवान आए, उन्होंने माता अदिति की प्रार्थना की, माँ ऐसा मत करो। तब दीति ने 2 बच्चों को जन्म दिया जिनके नाम क्या पड़े, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हाँ, यमल कहते हैं जुड़वे को। 2 बच्चों का जन्म हुआ। नीत्राक्षंत सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को बता रहे जाता है महाक्रम यहाँ ज्यादा हो जाता है। हाँ, ये तो सृष्टि का नियम है सब। बोले जाओ बाबा, कोई बात नहीं। तो बच्चे को सौंप गए अपनी माँ, किसको, पत्नी को। बोले अपनी माँ का ख्याल रखना। पितरी प्रस्थिते रण्यम मातु प्रिय चिके सयाम तस्मिन् बिंदुसरे वासी भगवानो कपिलो। देखो पितरी प्रस्थिते रण्यम मातु प्रिय चिके सयाम, पिताजी के चले जाने के बाद ना अपनी माता का बहुत प्रेम से ख्याल रखा। किसने रखा, कपिल भगवान ने। हाँ, एक दिन की बात है, कर्दम ऋषि बोल के गए थे ना अपनी पत्नी को, हमारे घर भगवान का जन्म होगा। अब पत्नी को भी तो पता है देवभूति को हमारे घर भगवान आए हैं। एक दिन की बात है, तिलक लगाया कपिल को, माला वाला पहनाई, माला पहना के बोले कुछ बताओ ज्ञान की बात है। बोले माँ कैसी बात कर रही, मैं तो आपका बेटा, मैं तो आपका नन्ना मुन्ना बच्चा। बोले कोई बच्चा नहीं, मैं जानती हूँ तुम कौन हो। तो कपिल भगवान से माता देवहूति बोल रही है, तं त्वागताहं शरणं शरण्यं सभृत्य संसार तरो कुठारम। कुठारम माने क्या होता है, कुल्हाड़ी। जैसे जैसे कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं ना, ऐसे बोले अज्ञान
के अब तू बता दे प्रभु से Thank you.